नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान संस्कृति है, आनंद की संस्कृति है। हमारे हर रोज नए नए उत्सव आते रहते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा ही उत्सव है जो आनंद का प्रतीक माना जाता है। देखिए समय कौन सा होता है, आमतौर पर सूर्य जो है, मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये वो दिन है कि जिस दिन भगीरथ जो थे वो गंगा को लेकर जब पदार्पण कराया, उन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त गंगा सागर में पहुंचे थे। गंगा सागर वो स्थान है कि जहां गंगा जो है वो पाताल लोक पहुंचती है। ये वही स्थान था जहां कपिल मुनि के द्वारा सगर के पुत्रों को श्राप दिया गया था और वो 60 के 60 हजार वहां पर मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाए थे। और उन्हीं के लिए भगीरथ ने ध्यान किया, भगवान को प्रसन्न किया, जिस प्रकार से लगातार 3 पीढ़ियों तक सगर के जो वंशज थे वो साधना करते रहे। भगीरथ की साधना से भगवती प्रसन्न हुई और वो पदार्पण हुआ उनका। तो मकर संक्रांति का दिन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है और बड़ा चमत्कारिक दिन माना जाता है। इस दिन विशेष तौर पर सूर्य जो है वो विशेष तौर पर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। महाभारत का युद्ध आपको याद होगा, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जब युद्ध शुरू हुआ तो उनको जो तारों की, जो विशेष तौर पर तीरों की शैया पर अर्जुन ने जब उनको बीत दिया तो उसके बाद वो कब तक पड़े रहे, कहा कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे, जब विशेष तौर पर होंगे उसके बाद शरीर छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शरीर जो ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं वो उत्तरायण से लेकर जब तक सूर्य जो हैं जो रहते हैं उत्तरायण में, तब तक वो जो ऊर्ध्व गति आती है आत्मा की, और उसके जब दक्षिणायन हो जाते हैं तब सूर्य जो है वो परिवर्तन होने के बाद वहां से आत्मा के लिए जो उद्धव गति प्राप्त होने के रास्ते थोड़े कम हो जाते हैं। तो भीष्म पितामह के लिए खास तौर पे कहा जाता है कि वो जब सूर्य उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, तो यानी इतना शुभ दिवस, इच्छा मृत्यु का उनको वरदान प्राप्त था महाराज शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए अपने पिता की सेवा करनी। देखिए कितना सुंदर, ये पिता की सेवा का पर्व है, ये विश्वास का पर्व है कि आप अपनी पिता के प्रति यदि नतमस्तक होकर सेवा भाव से रखेंगे तो उनके आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। पिता की इच्छा की तृप्ति के लिए उन्होंने संकल्प लिया था और उससे प्रसन्न होकर माता पिता दोनों ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया कि इच्छा मृत्यु जब तक तुम रहोगे इस संसार में रहना चाहो तो रह सकते हो। हम भी यही चाहते हैं ना, हम सब लोग भी आज की तारीख में इतनी साधना हुई, लोगों की सब कुछ हुआ, सब लोगों ने एक ही इच्छा मृत्यु प्राप्त कराने के योग, लेकिन पिता की सेवा नहीं कर पाए, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। आज तो इस भारतीय संस्कृति की, मैं कहूँगा भारत देश की विडंबना ये है कि जिस देश में माता पिता की सेवा करने के लिए बड़े बड़े लोग उत्पन्न हुए और बड़े बड़े लोगों ने उदाहरण अनेक उपस्थित किया, आज वहाँ वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। तो ये सुंदर पर्व है भारतीय संस्कृति के, मैंने कई चीज़ आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ये संस्कृति का पर्व है, विशेष तौर पे मकर संक्रांति जो है लोहड़ी का पर्व इसी दिन आता है, और साथ साथ विशेष तौर पर इस दिन दान का, हमारे उत्सवों में 3 चीज़ों का बड़ा महत्व कहा गया है, दान, यज्ञ और विशेष तौर पर सेवा भाव का बड़ा महत्व कहा गया। स्नान दान ये बड़े अच्छे, तर्पण अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। खिचड़ी का, खिचड़ी बना के जाती है, उड़द की दाल का, चावल का दान किया जाता है, तेल का दान किया जाता है, गर्म वस्त्रों का दान किया जाता है, जूतों का दान किया जाता है, छाते का दान किया जाता है, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया शास्त्र में संबंध रखती है। तो कोशिश ये करें इस महापर्व के दिन गंगा स्नान अवश्य करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, अपने पितरों की मुक्ति के लिए ये सबसे सुंदर पर्व है। थोड़ा जल लेकर हाथ में, इसे जल हाथ में लेकर लोटे में, उसके बाद इसे सूर्य को जल सामने की तरफ दिया जाता है इस दिन विशेष तौर पर, आमतौर पर ये कहा जाता है। एक बात और मैं आपसे बताऊं, पहले आपको इस दिन के लिए एक बहुत विशेष महत्व है और आज भी कई संस्कृतियों में बात चलती है कि इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। स्नान, और एक बात और कही जाती है कि आपके सिर में एक सोने का बाल होता है और इसी दिन वो भीगता है। तो पुराने जमाने में जो लोकोक्ति चलती थी ना कि कम से कम माताएं कहती थी अरे आज तो कम से कम नहा ले, आज तो वो सिर का बाल, क्योंकि क्या जब दान स्नान करेगा तो उससे पुण्य प्राप्ति होगी। और आज की तारीख में हमारे देश में भी ऐसी स्थिति हो गई है, बाहर तो लोग नहाते थे नहीं, इत्र का इजाद बाहर ही हुआ था, परफ्यूम का इजाद बाहर ही हुआ था, उसी को लगा के डीओ लगा के लोग आज की तारीख में लग जाते हैं काम पर, स्नान ध्यान कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति तो स्नान प्रधान संस्कृति है, किसी भी तीर्थ में जाए स्नान का महत्व है। देखिए शनि को प्रसन्न रखना चाहते हैं ना तो सबसे पहले स्नान की आदत डाल लीजिए। क्या होगा, कोरोना सिखा दिया हाइजीन मेंटेन करने के लिए, सबसे पहले पायरेसी, विशेष तौर पर प्योरिटी मेंटेन करने के लिए, शुचिता मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है आपके वायरस वगैरह सबको दूर करने के लिए स्नान का महत्व कहा गया है। तो इस दिन अवश्य स्नान करने का प्रयास कीजिए और स्नान के बाद गंगा जल स्नान कर सकें। यदि गंगा जल नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें,
हल्का गंगा जल घर में होगा उसमें पानी मिला लीजिए, उससे स्नान कर लीजिए, और स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, सामने सूर्य को जल दिया आता है इस प्रकार से सामने की तरफ, और साथ साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने के लिए क्या होता है, आपके हाथ में ये जो तीर्थ है ये पितृ देव तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है, तो जल लेकर इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त ये अंगूठा और जो पहली उंगली के बीच का स्थान है ये पितृ तीर्थ माना जाता है, तो ऐसे करके उनके निमित्त जल लिया, अगर गंगा जी में है किसी नदी में है तो इस प्रकार से जल दे दीजिए, यदि हाथ में लोटा लिया है तो इस प्रकार से तर्पयन्ताम तस्मै स्वधा, यदि कोई आदमी की किसी दिव्य आत्मा के आदमी के लिए कर रहे हैं तो तस्मै स्वधा, और यदि किसी स्त्री के लिए कर रहे हैं तो तस्मै स्वधा। ये स्वधा स्वाहा स्वधा नाम की जो एक मंत्र आता है ना, जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, तो ये स्वाहा स्वधा जो है दो देवियों का नाम है, स्वाहा हवन सामग्री के लिए जो हम करते हैं देवताओं के लिए, स्वधा पितरों के लिए, जो अपने पितरों के निमित्त जल आपके, देखिए हम जल ही दे सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विचित्र विडंबनाओं में रहते हैं कि पितरों के नीक करें क्या, किसी ने कह दिया आमतौर पर पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, लगे हुए लोग पितृदोष के लिए कह रहे क्या करें पता नहीं कुछ, अरे क्या करने की आवश्यकता भैया, जल से बढ़िया क्या हो सकता है, तो जल का तर्पण नित्य प्रति, और गंगा जो विशेष तौर पर मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है इससे बढ़िया कौन सा पर्व हो सकता है, तो अपने पितरों के तर्पण के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अभी बहुत जल्दी उनकी मुक्ति नहीं होती, 3 पीढ़ी तक पितर आपके आसपास ही रहते हैं, तो कोशिश करें, वैसे तो हर रोज करना चाहिए, और मकर संक्रांति के दिन खान पान नहान स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल देने के बाद अपने पितरों के निमित्त इस प्रकार से पितृ गायत्री का जप करते हुए उनको जल दीजिए, और साथ साथ कोशिश करें दान भी करें, स्नान तर्पण दान, तो कोशिश करने का प्रयास कीजिए। दान हमने आपको बता दिया, तो सबसे श्रेष्ठ है चावल का दान, उड़द का दान, उड़द की दाल का दान, साथ में वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, और ये सब चीज़ें कर आप मकर संक्रांति के पर्व को आनंद के साथ मनाएं, भगवान का आशीर्वाद लें। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नई एनर्जी दे रहे हैं, देखिए हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है और आपको जीवन में सब कुछ सिखाने का प्रयास करती है, हम गए हैं भूल, हम आज ना विशेष तौर पर हम विदेशी आक्रांताओं के वश में आकर अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ें, और आपकी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वीडियोस इस चैनल के माध्यम से लोड करते रहते हैं, तो आप भी यदि कुछ अपने विषय हमारे समक्ष रखना चाहते हैं और कुछ ऐसे विषय जिसके संबंध में आपकी जिज्ञासा है तो वो सब विषय हमारे को कमेंट बॉक्स में जाके आप डाल सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उन सबके विशेष तौर पर जो निदान प्रश्न है वो आपको अर्पित कर सकते हैं और आपके संबंध में इस वीडियो लोड कर सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त। धन्यवाद।